अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो आप सबकी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज घर से निकलते हुए मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, एक्चुअली हमें पहुँच आना था चेकअप के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल आए। तो सोचा कि मैं अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सामने एमरजेंसी है, एमरजेंसी और OPD ये सारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अभी हम OPD में आए, वो डॉक्टर का वेट कर रहे थे, स्लिप वगैरह हमने जमा करवा दी है, तो अब वेट कर रही थी कि वो कब आएगी, उसके बाद हमें उससे चेकअप करवाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जब स्लिप दे रहे थे ना तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब लटके हुए थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी 10 बजे से पहले ही इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा रश है। और बोल रहे हैं कि डॉक्टर अभी 11 बजे आएगी, तब तक हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर ही बैठ के। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट वगैरह लिखे थे, और टेस्ट करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी 1:30 का टाइम है और वापस हम आए यहाँ पे डॉक्टर को, जो टेस्ट है वो चेक करवाने के लिए, और उसके बाद हम मेडिसिन लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हॉस्पिटल से हम निकल चुके हैं और यहाँ पे केमिस्ट शॉप पर थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी, वो ले रही थी। और सामने यहाँ पर मस्जिद थी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। पता नहीं कैमरे में कैसी आ रही है, वैसी मतलब नहीं आ रही है जो हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। अल्लाह के नाम पर बनाई हर चीज़ खूबसूरत होती है, बट माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ से निकलते हुए हम पार्क की तरफ आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सोचा थोड़ा वहाँ पर बैठ के हवा लगाएँगे। तो यहाँ पर रास्ते में मतलब एक बाज़ार सा लगा हुआ है, रेडियो पे हर चीज़, मतलब हमारे मेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम क्या होता ही नहीं है। पर यहाँ पे हर चीज़ की साइड पे लगी हुई थी रेडियाँ, और लोग ले रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ खड़े थे। यहाँ पे अबाय वगैरह भी थे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अबाय भी थे और दुपट्टे वगैरह भी। तो यहाँ पर हम इंटर हो गए पार्क में, तो अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं। दो चनार तो हमने देख लिए, दो बाकी हैं कि उनके पास कहीं जगह मिल जाए तो थोड़ी देर हम भी बैठ कर ठंडी हवा खा लें। आगे आगे भागते हुए जा रहे हैं, मेरा ख्याल ही नहीं कि मैं भी हूँ पीछे। अभी एक जगह थोड़ी सी हमें जगह मिली है तीसरे चिनार के नीचे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा लगा देती हूँ। ऐसे आगे भागते हुए जा रहे थे, मेरा ख्याल भी नहीं था कि मैं भी हूँ पीछे। तो फ्रेंड्स, चेकअप वगैरह करवा के अभी हम वापस आए हैं। टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो अभी आके थोड़ा सा पार्क में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अभी थोड़ा चिनार के साए में आके बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही थी, सोचा थोड़ा ठंडा हो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे ना सारे आसपास से ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर पार्क है, बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है, दिखाती हूँ आपको। और सब आगे पीछे से देख रहे हैं, देखो पीछे भी इतने बंदे बैठे हुए हैं, हमको नहीं दिखाऊंगी, कोई कुछ बोलेगा तो। यहाँ पे इनको तो आप पहचानते होंगे ना, अगर नहीं पहचानते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगी। देखो बस चिनार के साए में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने चिनार हैं, 1 2
चार चिनार, चार चिनार हैं यहाँ पे, सब लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे, दो ढाई बजे का टाइम है और यहाँ पे स्कूल के बच्चे आके बैठे हुए हैं, आई थिंक अपनी अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं यहाँ पे पार्क में बैठकर। और यहाँ पे पीछे लोग पता नहीं कुछ कुछ हॉस्पिटल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आके बैठा हुआ है। तो ये देखें आप पार्क का खूबसूरत सा व्यू। धूप बहुत तेज़ है पर पार्क माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, बीच में फ्लावर्स हैं और बहुत ही अच्छा है। जो लोग पुंछ से हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे कितने पार्क हैं और कितने, मतलब यहाँ पे हमारे मेंढक के मुकाबले में काफ़ी डेवलपमेंट है। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फुल वॉच करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है भैया।